नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं इन खबर। आइए नजर डालते हैं मनोरंजन जगत की इस बड़ी खबर पर। विकी कौशल और कैटरीना कैफ को बॉलीवुड के खूबसूरत कपल्स में शामिल किया जाता है। हालांकि जब कैटरीना विकी की शादी की खबरें सामने आई थी तो किसी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। दोनों को अक्सर एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते देखा जाता है, लेकिन कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि विकी कौशल और कैटरीना के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब विकी कौशल की फिल्म जरा हटके जरा बचके का ट्रेलर लॉन्च करने के दौरान एक्टर से सवाल पूछ लिया गया कि अगर उन्हें कैटरीना से बेहतर कोई और मिल जाए तो क्या वो कैटरीना कैफ को तलाक दे देंगे। हालांकि विकी कौशल अपने आप को संभालते हुए और इस क्वेश्चन के ऊपर अपने रिएक्शन को संभालते हुए विकी कौशल ये सवाल सुनकर हैरान रह गए। हालांकि उन्होंने बड़े ही मजेदार अंदाज में स्थिति को संभालते हुए जवाब दिया। विकी ने कहा, सर ये सुन लो, शाम को घर भी जाना है, ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछ रहे हो, मेरी तो खैर नहीं, अभी बच्चा हूँ, बड़ा तो हो लेने दो, कैसे जवाब दूं इसका, मैं इतना खतरनाक सवाल पूछा है आपने। उसके बाद उन्होंने कहा कि सर जन्मों जन्मों तक रिश्ता है कैटरीना के साथ, इतनी जल्दी नहीं टूट सकता, किसी के आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैटरीना को लेकर दिए गए विकी कौशल के इस जवाब ने फैंस का दिल जीत लिया। वहीं ये सवाल पूछने वाले मीडिया पर्सन को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है। विकी कौशल शादी से पहले ही कैटरीना कैफ को काफी पसंद करते थे। वो एक परफेक्ट हस्बैंड हैं और ये गुण उन्होंने अपने उन्होंने बताया कि अभिषेक बच्चन से उन्हें सीखने को मिले हैं। उन्होंने इस दौरान बताया कि साल 2018 में विकी कौशल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उसे अभिषेक बच्चन ने शादी को सफल बनाने के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार टिप्स दी थी। विकी ने कहा, जब मैं शादी करने जा रहा था तो अभिषेक बच्चन ने कहा था कि बेड पर सोने जाने से पहले और सॉरी बोल दो, और सुबह उठकर सबसे पहले सॉरी बोल दो, तुम हमेशा खुश रहोगे। आपको बता दें, साल 9 दिसंबर 2021 में विकी कौशल और कैटरीना कैफ ने शादी कर ली थी। दोनों की खूबसूरत जोड़ी को फैंस का भरपूर प्यार मिला, जब काफी दिनों से फैंस कैटरीना और विकी के पेरेंट्स बनने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए इन खबर फॉर लेटेस्ट अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।